नमस्कार बच्चों, तो आइए अब हम आपको पुनः अपने क्वेश्चन आंसर के संसार में लिए चलते हैं। भाग 6 वीडियो में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो अब बच्चों, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, कुछ और प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। विलेंडार्फ की सौंदर्य देवी मूर्ति किस पत्थर में बनी है? तो विलेंडार्फ की सौंदर्य देवी मूर्ति चूना पत्थर में बनी है। यह दक्षिणी ऑस्ट्रिया में है और इसकी हाइट जो है 5.5 इंच है। इसका पीरियड जो है 27,000 ईसवी पूर्व है। विलेंडार्फ की सौंदर्य देवी से संबंधित ये चार उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, चार प्रश्न चार उत्तर होंगे, आप स्वयं से इसे लिखेंगे। टोटमवाद की कल्पना किस काल की कला में मिलती है? तो टोटमवाद की कल्पना अफ्रीका की निग्रो मूर्ति कला में मिलती है और जनजातीय अफ्रीका की जो जनजातीय कला है उसमें इसका विशेष प्रचलन रहा है। ओरिसस देवता की कल्पना किस देश में की गई? ओरिसस देवता की कल्पना मिस्र में की गई। रा का क्या अर्थ होता है? रा का अर्थ होता है सूर्य देवता। हिलियोपोलिस मिस्र में रा शब्द का प्रचलन भगवान सूर्य के लिए किया जाता है। राजवंशीय शासन के पूर्व की मिस्र कला के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजवंशीय शासन के पूर्व की मिस्री कला के अवशेष हिरकोनोपोलिस के भित्ति चित्र से मिलते हैं। सबसे प्राचीन वस्त्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन वस्त्र के अवशेष जो है मिस्र में गैबलीन से प्राप्त होते हैं। पुरातन काल में मिस्र में राजाओं को दफन करने की जगह की इमारतें क्या कही जाती थी? तो पुरातन काल में मिस्र में राजाओं को दफन करने की जगह को मस्तबा कहा जाता था और जिसे बाद में पिरामिड का रूप दिया गया। गीजा नगर के पिरामिड जो हैं किसके हैं? तो गीजा नगर के पिरामिड जो हैं चौथे राजवंश के फिराओ खुफू केओप्स और मैनखरे का है। कामरेस पात्र का संबंध किस देश से है? कामरेस पात्र का संबंध जो है क्रीट की सभ्यता से है। मिनोअन काल का यह मृण पात्र होता था, ये टेराकोटा पॉट है और क्रीट के नोसास नगर में 2000 ईसवी पूर्व में ये प्राप्त हुआ। आरंभिक मिनोअन काल के मृण पात्र बिना चाक के बिना पहिए के बनाए जाते थे। राजा मिनोस कहाँ का राजा था? तो राजा मिनोस जो है क्रीट का राजा था और क्रीट की कला के समृद्ध नमूने जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्रीट की कला के समृद्ध नमूने का प्रमुख केंद्र है मोक्लोस के मकबरों में। क्रीट की कला कहाँ पर प्रभाव पड़ा? क्रीट की कला का प्रभाव मिस्र की कला पर बहुत पड़ा। सबसे प्राचीन ग्रीक मंदिर कौन सा है? ग्रीक यानी यूनान। सबसे प्राचीन ग्रीक मंदिर हीरा देवी का मंदिर है जो 800 ईस्वी पूर्व में बनाया गया। ग्रीक सभ्यता का आरंभ कब से माना जाता है? ग्रीक सभ्यता का आरंभ 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से माना जाता है। होमर तथा इलियड और ओडिसी महाकाव्य की रचना काल क्या है? होमर द्वारा इलियड एवं ओडिसी की रचना काल क्या है? तो 800 ईस्वी पूर्व में होमर कवि के द्वारा इलियड एवं ओडिसी महाकाव्य की रचना की गई। थेरमान का अपोलो मंदिर
किस पद्धति में निर्मित है। थेरमान का अपोलो मंदिर डोरिक पद्धति में निर्मित है। यह 560 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है और थेरमान जो है ग्रीक का एक स्थान है। मूर्तिकला की डाइडालिक शैली कहाँ प्रचलित हुई। मूर्तिकला की डाइडालिक शैली ग्रीक देश में प्रचलित हुई थी। एक्रोपोलिस की पहाड़ी कहाँ स्थित है। एक्रोपोलिस की पहाड़ी ग्रीक में एथेंस में स्थित है। प्रोथागोरस या पाइथागोरस कहाँ का दार्शनिक था। प्रोथागोरस एथेंस का दार्शनिक था। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग किसका कथन है। तो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग प्रोथागोरस का कथन है। फिडियास कहाँ का मूर्तिकार था। फिडियास ग्रीस का मूर्तिकार था। एथेना लेमनिया की कांस्य मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई। तो एथेना लेमनिया की कांस्य मूर्ति के मूर्तिकार फिडियास हैं। एथेना लेमनिया मूर्ति कहाँ है। तो एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर स्थित है। हेलनिस्टिक कला कहाँ पनपी। हेलनिस्टिक कला यूनान देश की कला है जिसे ग्रीक कला भी कहते हैं। एट्रुस्कन कला कहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। तो इटली के पश्चिमी किनारे पर एटूरिया नामक स्थान पर 5वीं से 6ठी शताब्दी में एट्रुस्कन कला का उद्भव हुआ। अब है स्पेन की कोगुल गुफा क्यों प्रसिद्ध है। स्पेन की कोगुल गुफा आदिम चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उत्तर पाषाणकालीन हड्डियों के हथियार कहाँ से मिले। भारत में उत्तर पाषाणकालीन हड्डियों के हथियार बिलार संगम नामक स्थान जो मद्रास में स्थित है वहाँ से मिले थे। हरणी हरण गुफा के चित्र किस युग के हैं। हरणी हरण गुफा के चित्र उत्तर पाषाण युग के हैं। हरणी हरण गुफा कहाँ स्थित है। तो हरणी हरण गुफा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के निकट में स्थित है। झोब नदी घाटी सभ्यता से प्राप्त बर्तन कैसे हैं। झोब नदी घाटी सभ्यता बलूचिस्तान में मैंने बताया था। तो वहां से प्राप्त जो बर्तन हैं वो गहरे बैगनी लाल रंग के हैं और मिट्टी के बने हुए हैं। झोप से प्राप्त मूर्तियों के सिर काले रंग से रंगे हुए हैं। मोहनजोदड़ो के मकान किस प्रकार के बने हैं। तो मोहनजोदड़ो में मकान 2 मंजिल का बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की एवं योगी की मूर्ति किस चीज से बनी है। तो यह चूने पत्थर की बनी है अष्टको माध्यम में। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की ऊंचाई कितनी है। 9 सेंटीमीटर है। हड़प्पा से प्राप्त मनुष्य का धड़ लाल पत्थर में है, लाल बलुआ पत्थर में, और 3.75 इंच लंबाई है इसकी। नाव का चित्र अंकित मुहर। नाव का चित्र अंकित मुहर कहाँ से मिला। तो नाव का चित्र अंकित मुहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है गर्भसूत्र का तात्पर्य क्या है। गर्भसूत्र का तात्पर्य क्या है। गर्भसूत्र भूमि तल पर बनी हुई कक्षा या मंडप को कहते थे। गर्भसूत्र भूमि तल जो जमीन पर कक्षा या मंडप बनाया जाता था, कक्ष बनते थे मंदिरों में, तो उसे गर्भसूत्र कहते थे। स्वास्तिक किसका प्रतीक है। स्वास्तिक किसका प्रतीक है। स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक है। चारों दिशाओं में विश्व व्याप्त जो है विश्वमंडल उसका प्रतीक है। त्रिविक्रम किसे कहा गया है। त्रिविक्रम किसे कहा गया है। अब देखिए त्रिविक्रम के संदर्भ में मैं 2 तथ्य आपको बताऊंगा। त्रिविक्रम विष्णु के 3 चरण न्यासों को कहते हैं। विष्णु के 3 चरण न्यास जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया था
तो वामन अवतार ने महाराज बलि के द्वारा उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, और 3 पग जब उन्होंने चला था तो पहले कदम से भूमंडल, दूसरे कदम से आकाश मंडल, तीसरे चरण रखने के लिए स्थान नहीं मिला था, तब बलि ने अपना सिर उनको दिया था। ये 3 चरण न्यास त्रिविक्रम कहे जाते हैं। इसीलिए दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वामन अवतार को त्रिविक्रम रूप भी कहते हैं। तो त्रिविक्रम किसे कहा गया है, इसके दोनों आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही से संबंधित है, विष्णु के 3 चरण न्यासों को और दशावतार में विष्णु के वामन अवतार में त्रिविक्रम रूप कहा गया है। महिष किसका प्रतीक है, महिष अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक होता है। महिषासुर के रूप में माता दुर्गा ने जब महिष का वध किया था तो वो अनियंत्रित था, इसीलिए माता जी ने उसका वध किया। तो महिष अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। पर्णकुंभ किसका प्रतीक है, पर्णकुंभ सुख संपत्ति एवं जीवन में पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। चक्र, चक्र किसका प्रतीक है, चक्र सूर्य का, चक्र काल का, चक्र गति का, तीनों का प्रतीक माना जाता है। पद्म या पुष्कर या कमल किस चीज का प्रतीक है, तो याद रखें कमल, पुष्प, पुष्कर या पद्म, ये तीनों नाम कमल के ही हैं, ये प्राण या जीवन के प्रतीक माने गए हैं। सूरजमुखी के फुल्ले, फुल्ले संबोधन किया गया है, ये आप वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक में भी इनका जिक्र है। तो सूरजमुखी के फुल्ले डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता था, वस्तुतः इसमें कमल की आकृति बनती थी, गोल आकार की एक बाउंड्री यदि हम बना लें, उसके चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों के सदृश आकर अंकन करें तो उसे सूरजमुखी के फुल्ले संबोधित की गई शिल्प में। कल्पवृक्ष क्या है, कल्पवृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने वाला तथा मन का प्रतीक माना गया है। सुमेरु किसका प्रतीक है, सुमेरु विश्व के ध्रुव केंद्र का प्रतीक है, सुमेरु विश्व के ध्रुव केंद्र का प्रतीक है। महाजनपद युग की कला का समय क्या है, महाजनपद युग की कला का समय 1500 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उपवेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, तो उपवेद जिस प्रकार 4 वेद हैं उसी प्रकार 4 वेद के 4 उपवेद हैं। उपवेदों के नाम इस प्रकार हैं, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद तथा वास्तुवेद, ये 4 उपवेद माने जा गए हैं। महाजनपद युग के भवन किस चीज से बने थे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, क्योंकि इसमें इतना अत्यधिक विस्तार से बताया गया है कि आज के विद्यार्थी उसे क्लिष्ट समझते हैं और उसके कारण से वे पढ़ने में अरुचि दिखाते हैं, जबकि उन्हीं के बताए किताबों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाजनपद युग के जो भवन थे वो मूलतः लकड़ी के बनाए गए, ज़्यादातर लकड़ी के बनाए गए, लकड़ी की कारीगरी होती थी, इस कारण से कालक्रम में वो नष्ट हो गए, आज उनके नमूने हमें प्राप्त नहीं होते। वैदिक कला में वयून का क्या अर्थ है, वैदिक कला में वयून शब्द का अर्थ बुनाई करने के लिए किया गया है।